जी रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट होगी। चलें जी, नंबर वन, ओपनिंग फ्रेज। नंबर टू, इनक्लोजिंग डिटेल। नंबर थ्री, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर फोर, जी नैयर कुछ कहना चाह रहे हैं? सोबिया सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, वॉइस मेरी क्लियर है? लाउड एंड क्लियर। ठीक है जी, ठीक है। मैं अपनी पिक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आप फोकस करें स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। जी, कॉमा में हो गया ओपनिंग फ्रेज, इनक्लोजिंग डिटेल, कंपाउंड सेंटेंसेस, और उसके बाद हमारा होगा जी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और इनक्लोजिंग डिटेल के बाद, कंपाउंड सेंटेंसेस के बाद एक और चीज़ है सीरीज एंड पैरेलल कंस्ट्रक्शन। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, उसके बाद बस ये सिक्स पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर हमने डिस्कस करना आज। हर पॉइंट आगे से इसकी डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जी ओपनिंग फ्रेज की। ओपनिंग फ्रेज वेरी इजी, कोई मसला नहीं है। एक मैंने लिस्ट भी आप लोगों को दी थी ओपनिंग फ्रेजेस की, जिसमें डाउन द सेंचुरीज, इनइक्चुअलिटी, इस तरह के कुछ फ्रेजेस थे। सिंपल आप कोई भी सेंटेंस लिखें यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं ये लिखता हूँ कि द ट्रेंड ऑफ गेटिंग ड्यूअल citizenship is gaining momentum. जी, co-education has remained in the heated discussion of the critics across the world. ये sentences में लिख रहा हूँ, जरा देखते जाइएगा, उसके बाद हम आगे करते हैं। More and more children are killing their precious time on the internet. अच्छा जी, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज at early level of early years of education is could be beneficial for the students and society as well. ये जी देखें, different sentences हैं और इन sentences के साथ मैंने इन्हें copy कर लिया
और यू कैन सी के जस्ट 1 मिनट जी, सॉरी फॉर बॉदरेशन, मैंने अपना एक्चुअली मोबाइल ऑफ कर दिया। अच्छा, अब ये यू कैन सी आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। बट जब हम क्लास बेसिकली 4 को पढ़ाते हैं ना, अब जो अच्छे स्कूल हैं, LGS है, बीकन हाउस है, वो कहते हैं मेक सेंटेंसेस ब्यूटीफुल। अब मेकिंग सेंटेंसेस ब्यूटीफुल उसमें क्या करते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी देते हैं कि छोटा सा सेंटेंस लिख दिया, अब आप एडजेक्टिव्स डालें और उसको खूबसूरत बनाएं। इसी तरीके से यू विल मेक सेंटेंसेस ब्यूटीफुल। आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस इनको आपने देखना है और इनसे पहले आपने एक एक ओपनिंग फ्रेज लगा देना है। यहाँ पर देखें, मैंने कॉमे लगा दिए इस जगह पे, ये कॉमे लग गए, और यहाँ पे मैंने आई विल यूज दिस थिंग। नाउ यू कैन सी दीज आर सेंटेंसेस, बट उससे पहले हमने एक जगह छोड़ दी। ये जो है यहाँ पे आई विल एड सम ओपनिंग फ्रेजेस। द ट्रेंड ऑफ गेटिंग ड्यूअल सिटीजनशिप इज गेटिंग मोमेंटम। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन द बैकड्रॉप ऑफ प्रेजेंट फाइनेंशियल क्रंच इन द, अच्छा क्रंच, बस मौजूदा फाइनेंशियल क्रंच की वजह से जो ट्रेंड है ड्यूअल सिटीजन, द ट्रेंड ऑफ गेटिंग की जगह पे मैं लिख देता हूँ सीकिंग, ड्यूअल सिटीजनशिप इज गेनिंग मोमेंटम। अब दिस पार्ट, ये जो बगैर वर्ब के जो पहला वाला पार्ट है जिसका कलर मैंने ब्लू कर दिया, ये दिस इज ओपनिंग फ्रेज, ये है ओपनिंग फ्रेज। इसके बाद कॉमा, और उसके बाद ये सब्जेक्ट पार्ट है, ये दिस वन इज सब्जेक्ट पार्ट, और उसके आगे जो प्रेडिकेट पार्ट है। तो यहां पे मैं सब्जेक्ट पार्ट को भी अलग कर देता हूं ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी ना रहे। ये सब्जेक्ट पार्ट है और उसके बाद ब्लैक पार्ट, दिस इज प्रेडिकेट। ये एक सेंटेंस को हमने इस तरह इसकी फॉर्मेशन की। अब को एजुकेशन हैज रिमेन्ड इन द हीटेड डिस्कशन ऑफ द क्रिटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हैज रिमेन्ड है ना, रह चुकी हैं, तो यहां पे मैं लिखता हूं डाउन द सेंचुरीज। ये जो ओपनिंग फ्रेज है इसकी एक लिस्ट बनाई हुई है मैंने, मैंने आपको पोस्ट भी की थी, दोबारा भी मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। आपने सिर्फ कोई 20-25 के करीब ये याद करने हैं, और हर दूसरे तीसरे जुमले में जहां पे हम देखें कि ये बेहतर है इस तरह लगाना, आप इसको लिख सकते हैं। तो डाउन द सेंचुरीज को एजुकेशन हैज रिमेन्ड इन द हीटेड डिस्कशन ऑफ द क्रिटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मोर एंड मोर चिल्ड्रन, यहां पे हम लिखते हैं जी सरप्राइजिंगली मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर किलिंग देयर, जी, और उसके बाद लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। तो यहां पे ये कहेंगे हम लोग के एनालिटिकली स्पीकिंग, ये देखें जी, दीज आर फोर सेंटेंसेज, और इन फोर सेंटेंसेज से पहले आई यूज्ड ओपनिंग फ्रेजेस, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दी। अच्छा जी, अब दूसरी बात हम आगे चलते हैं।
यही सेंटेंसेस को हम पिक करते हैं और यहां पे हम बात करते हैं इनक्लोजिंग डिटेल की। On the backdrop of present financial crunch, the trend of seeking dual citizenship, जहां पे नाउन आएगा ना हमारा अक्सर, यानी कि सब्जेक्ट पार्ट के अंदर जहां पे नाउन आएगा तो वहां पे आपने दो कॉमे लगाने इस जगह पे, ये चीज, ये दो कॉमे लगेंगे, यहां पे एक स्पेस बनती है कि आप कुछ यहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से को एजुकेशन, और यहां पे हम दो कॉमे लगा देते हैं, ये चीज, और यहाँ पे मोर एंड मोर चिल्ड्रन, और यहाँ पे दो कॉमे लग गए ये। अब ये जो नाउन है इनको फर्दर डिफाइन करने के लिए कि ये क्या चीजें हैं, हमने क्या करना है यहाँ पे, आई विल फॉरेन लैंग्वेज, उसके बाद यहाँ पे देखें। ये देखिए, अब ये मैंने डैशेस लगा दी। अब आप क्या करें, आराम से यहाँ पे आए, ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द प्रेजेंट फाइनेंशियल क्रंच द ट्रेंड ऑफ सीकिंग ड्यूअल सिटीजनशिप इज गेनिंग मोमेंटम। अच्छा जी, गेटिंग सिटीजनशिप क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है, ये जो वर्ड है ना इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, मैं आपको बता रहा हूं, या कुछ और भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैंने दो कॉमों के दरमियान में एक ऐड कर दी चीज के, वो जो सिटीजनशिप है वो आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ले रहे हैं, या फिर आप यहां पे लिखें कि उसकी फेवर में ले रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, जो भी इस दो कॉमों के दरमियान में लिखना चाहें आपकी मर्जी है। तो यहां पे मैंने एक ये, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, जो बात आप लिखें यहां पे वो उसको ऐड करने का कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, फॉर नो रीजन ना आप उसको ऐड कर रहे हो। अब डाउन द सेंचुरी को एजुकेशन, अब यहां पे लिखूं अगर मैं के अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर बोथ जेंडर रिसीव लर्न टुगेदर अंडर वन रूफ। अब ये को एजुकेशन को फर्दर डिफाइन किया कि को एजुकेशन है क्या, यहां में देखें, ये भी इनक्लोजिंग डिटेल है। तो ये अब देखें सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और ये लॉन्ग सेंटेंस में, लेकिन अभी भी ये सिंपल ही है। उसके बाद हम तीसरे में आते हैं, सरप्राइजिंगली मोर एंड मोर चिल्ड्रन इवन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर यहां पे लिखें अगेंस्ट द विल ऑफ पेरेंट्स, ठीक है जी।
माँ बाप तो नहीं चाह रहे, लेकिन बच्चे जो उनसे हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे इसको। ये अगेंस्ट द विल ऑफ सम पेरेंट्स कर लें इसको जी। अब और आखिर में एनालिटिकली स्पीकिंग लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज के बारे में आ गया, एट अर्ली ईयर ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐड कर देंगे। जी तो ये एक आपके सामने फोर सेंटेंसेस हो गए जिसके अंदर हमने इनक्लोजिंग डिटेल डाल दी, और ये हम मेरा सेकंड जो पार्ट था वो। अब अगर आपको किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो यू मे आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। नए स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है आप जरा होल्ड ऑन, जस्ट वेट करें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो पूछें, जो इस सेशन के स्टूडेंट हैं वो पूछें। और जिस तरह रुबाब हमारे साथ आज के लेक्चर में मौजूद हैं, या कोई और भी अगर स्टूडेंट है, और तो कोई भी नहीं है, काशिफ है, कामरान, कामरान एक नाम नया मैं देख रहा हूँ हमारे साथ मौजूद है, और बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपसे डिस्कस करूँगा बाद में। अभी ज़रा ये मैं पुराने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लूँ, या अब अगर आप करना भी चाहें कुछ इसमें पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, कुछ देर बाद इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। ये एंड हो रहा है सेशन और नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उसमें से कोई भी बंदा कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, ये दो चीज़ें, ओपनिंग फ्रेज और इनक्लोजिंग डिटेल, तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जी। हेलो जी कुछ सर, इसको आप हम बॉडी पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, फ्री इनक्लोजिंग डिटेल जहाँ मर्जी करें, और जस्टिस। ओके जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें, उसमें तो कोई कैद नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो फॉर्मेशन है ना, इसकी भी रिपीटिशन नहीं करनी। हर जगह आपने ओपनिंग फ्रेज नहीं यूज करना, हर जगह पे आपने इनक्लोजिंग डिटेल नहीं करना, किसी किसी जगह पे हम लोग यूज करेंगे। चलें जी, ओके इनक्लोजिंग थैंक डिटेल हो यू। गया, ओपनिंग फ्रेज हो गया कॉमे का। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का ये है कि हमारे पास फैन बॉयज के नाम से सात कंजंक्शन हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। अब ये सेवन कंजंक्शंस क्या हैं? फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये सात कंजंक्शन है। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं हमारे पास, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उनके दरमियान में ये कंजंक्शन आती है। मिसाल के तौर पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है फुल सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? फुल कंप्लीट सेंटेंस। आम तौर पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। और उसके बाद बेसिकली रूल इज इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस फैन बॉयज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज।
जी ये हमारे पास, तो आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कॉमा लगा देना है यहाँ पे, आपने यू विल मार्क कॉमा हियर इस जगह पे, ये मैंने ब्रैकेट लगाई है, तो ये रूल है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, इन्हीं एग्जांपल्स को पिक करते हैं जो पहले मैंने यूज की हुई है, इसमें से इसको पिक कर लेते हैं। अब मैं जरा इसको सिंपल करने लगा हूँ, जरा देखिएगा, उसके बाद इसके साथ भी ये मैंने इसको कॉपी कर दिया। तो मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर किलिंग देयर प्रीशियस टाइम ऑन द इंटरनेट, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब ये सात जो कंजंक्शन है, यानी कि फॉर एंड नॉर बट और येट, सो इसमें से कोई एक मैं यहां पे लगाऊंगा, ठीक है ना। बट मोस्ट अ वास्ट मेजॉरिटी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एजुकेशनिस्ट कंसिडर दिस जी, मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर किलिंग देयर प्रेशियस टाइम ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे गौर से देखिए, ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस है, और उसके बाद ये वाला भी एक सेंटेंस है। ये दो सेंटेंसेस हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और दरमियान में हमारे पास है एक फैन बॉयज में से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये अब ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, रूल के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे। सो दिस इज बेसिकली रूल के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक इसके दरमियान में। अब इट डजेंट मीन कि अगर ये इसमें इनक्लोजिंग डिटेल डली है या यहाँ पे आपने ओपनिंग फ्रेज डाला, तब भी ये सिंपल सेंटेंसेस ही हैं। ओपनिंग फ्रेज के होने के बावजूद भी यहाँ पे कॉमा आएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है ना। वो दूसरा केस है जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में नहीं लिखेंगे। तो ये एक इसकी एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंस की। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे ये देखें, मैंने लिखा कि मोर एंड मोर, यहां पे मैं लिखूं सरप्राइजिंगली कॉमा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आई कैन राइट डाउन हियर। और यहां पे मैं अ वास्ट मेजॉरिटी, यहां पे मैं लिख लेता हूं बट इन ट्रुथ, यहां पे फिर मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है ना, बट इन ट्रुथ, लेकिन हकीकत में अ वास्ट मेजॉरिटी। अब ये देखें, यानी कि ये वाला सेंटेंस अलग समझें और इस सेंटेंस को, ऊपर वाले सेंटेंस को आप अलग से समझें। ये दो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर ओपनिंग फ्रेजेस भी मौजूद हैं, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनक्लोजिंग डिटेल भी दे सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं देता हूँ टॉडलर्स आर एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, यहां पे कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, यहां पे मैं डैश भी लगा सकता हूं, रीडने वाले बच्चों के अलावा बाकी जितने भी बच्चे हैं सारे अपना टाइम जाया करते हैं इंटरनेट पे। या फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं, एक और है स्पेशली टीनेजर्स, ठीक है जी। अब ये देखें, ये एक सेंटेंस बन गया, उसके बाद कॉमा लगा, ये बट इसके साथ आ गया, और उसके बाद इंट्रो था आ गया यहाँ पे, अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एजुकेशन इज कंसीडर्ड। तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस, एक इनक्लोजिंग डिटेल के साथ सेंटेंस आ गया। तो दिस इज हाउ आई कैन राइट डाउन,
और ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। आप लोग पहले भी इसको कर चुके हुए हैं, इसलिए अब मैं मजीद इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, हम आगे चलेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ऊपर। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं मुझसे। इन चीजों की अगर आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये जहन में रखें कि यू कैन नॉट स्कोर 7 बैंड। अगर किसी का आ जाए इसके बगैर तो वो बस फिर वो एक समझ लें के। अच्छा जी, सीरीज एंड पैरेलल कंस्ट्रक्शन, इसको भी देख लीजिए। अब जी सीरीज एंड पैरेलल कंस्ट्रक्शन, सीरीज में हम डिफरेंट फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं, आई लाइक सूप कॉमा कपकेक्स कॉमा एंड फिश। अब ये जो तीन चीजें हैं इसके बाद ये सीरीज है, ठीक है। अच्छा, एक सीरीज और एक कंपाउंड सेंटेंस को भी हम जोड़ सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर एक सिंपल सेंटेंस लिख लें, आगे सीरीज लिख लें। मैं यहां पे कहता हूं कि शी वॉज इन्वाइटेड ऑन डाइन इन अ चाइनीज, CHINIES चाइनीज, चाइनीज का स्पेलिंग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, चाइनीज CHINES। हाँ सॉरी, इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट जी, शी वॉज इन्वाइटेड ऑन डाइन इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट कॉमा बट नो बट अगेंस्ट यू कैन से दैट इन एक्चुअलिटी कॉमा शी लाइक्स सूप और विच वॉज नॉट इन द लिस्ट। ये लें जी, तो यहां पे यू विल सी दिस इज वन सेंटेंस, दिस वन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसका कलर मैंने रेड कर दिया, और ये एक सीरीज है, ये यहां तक इसका कलर मैंने पर्पल कर दिया। ये डैश का यूज है, कल हमने सीखा था, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। यहां पे कॉमा भी आ सकता है इस जगह पे एज अ नॉन एसेंशियल क्लॉज, और यहाँ पे कॉलन भी आ सकता है। और ये दिस इज हाउ एक मैंने सेंटेंस लिखा, तो ये एक सीरीज होगी और सीरीज के साथ एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कंप्लेक्स सेंटेंस। कंप्लेक्स सेंटेंसेस में आई एज आई टोल्ड यू बिफोर के फॉर एग्जाम्पल आफ्टर वायल विच दैट इफ दो इवन दो वेयर एज
ऑल दो, ये सारे के सारे मतलब ये कुछ हमारे पास सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। कोई सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा तो इनसे स्टार्ट होने के बाद कॉमा आएगा मिड में, ठीक है ना? आफ्टर शी टुक द टुक आयल्स एग्जामिनेशन आफ्टर टेकिंग आयल्स एग्जामिनेशन शी इज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट। अब ये है कि अगर आफ्टर से आपने कुछ स्टार्ट किया है, ये हमारी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, आफ्टर से स्टार्ट किया तो उसके बाद कॉमा लगेगा। इसी तरह अगर वाइल से हम कहेंगे वाइल एवरी ईयर लोड्स ऑफ पीपल ऑफ स्टूडेंट्स टेक आयल्स असेसमेंट कॉमा ओनली 40% रिमेन सक्सेसफुल इन स्कोरिंग देयर डिजायर्ड बैंड्स द परसेंटेज is little in case of immigration the percentage of success is you can say that very low for those who are seeking 8777 band in the assessment. अच्छा जी, अब यहां पे देखें कि ये एक सेंटेंस है जिसमें ये वाइल का मैंने यूज किया है, और वाइल जो सा है दिस इज पर्पल कलर, और ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और ये हमारी जो सी एस के बाद जो मैंने लिखा है ये है हमारी बेसिकली दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और ये नॉन असेंशियल क्लॉज है, ठीक है जी? तो दिस इज हाउ एक नॉन असेंशियल क्लॉज सबॉर्डिनेट ये, और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि एक सेंटेंस इस तरह आए और वाइल और यही जो सबॉर्डिनेट कंडीशन है वाइल के अलावा, ठीक है ना? वाइल के दो केसेस हैं मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके अलावा ये जो आपकी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है यानी कि हम इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, ये इसके बाद आएगी तो इससे पहले कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है जी? ये सेकंड, एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर हो चुका हुआ आपका, और उसके बाद जो थर्ड है वो ये है जी। 1 मिनट स्टूडेंट्स।
अच्छा जी, वायल का मैंने बताया था दो तरीके हैं, इन द मीन टाइम, इस दौरान, और वायल होता है अगरचे के केस में, ऑल दो। अगर तो अगरचे के केस में है तो फिर आप इससे पहले कॉमा लगाएंगे, यहां पे कॉमा लगेगा, और अगर ये है तो नो कॉमा, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और चार मैंने केसेस बताए थे कि दो, इवन दो, ऑल दो, वेयर एज, ये चार केसेस हैं जो कि मिड में हैं या शुरू में हैं। किसी भी केस में आपने इनसे पहले कॉमा, मतलब अगर मिड में आते हैं तो इनसे पहले कॉमा लगेगा, अगर शुरू में आते हैं तो जैसे ही क्लॉज खत्म होगी तो कॉमा लगेगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के फोर केसेस थे, और सबसे आखिर में हमारी आती है नॉन एसेंशियल क्लॉज। जब सेंटेंस खत्म होता है तो आप उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे होते हैं, विच से, दैट से, इफ से, कुछ भी है, आप अगर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन है हम लोग कॉमा डाल के तो उसके बाद वो लिख लेंगे। ये नॉन असेंशियल क्लॉज होती है आमतौर पे, ये विच वगैरह के साथ स्टार्ट होती है, विच करके आप इस तरीके से उसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहे होते हैं, तो ये नॉन असेंशियल क्लॉज है जी। ये जो आज का लेक्चर है ये है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इस वजह से नहीं कि एक किस्म का ये रिव्यू था, और आपके पास पूरे पूरे लेक्चर्स हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे 1 घंटे का लेक्चर मौजूद है, लॉन्ग सेंटेंसेस पे ओपनिंग फ्रेज इंक्लोजिंग डिटेल पे 1 घंटे का लेक्चर मौजूद है, असेंशियल नॉन असेंशियल क्लॉज को हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज एक किस्म का ये पूरा वाइंड अप था कि हमने इसको दोबारा से सारा डिस्कस कर लिया कि क्या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। अब अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें यहाँ पे किसी भी सेंटेंस की, किसी भी फॉर्मेशन के अंदर, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सीरीज और पैरेलल में जो आपने डैश और सेमी कॉलन का यूज बताया था वो काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। जी किसका कह रहे हैं आप? सीरीज और पैरेलल में जो आपने डैश और कॉलन सेमी कॉलन का यूज नहीं बताया था वो काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होती है वो पहले समझ लें, उसके बाद फिर हम इस साइड पे बात करते हैं। अच्छा जी, हम यहां पे लिखते हैं कि लेट्स सपोज द पर्पस ऑफ हर विजिट टू द हॉस्पिटल वॉज टू इंश्योर वर्किंग क्वालिटी टू अंडरस्टैंड टीम वर्क ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स। अब ये देखें, एक ये सेंटेंस है जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सीरीज है, सीरीज है ये, इसके अंदर हमने कॉमे लगाए हुए हैं, और ये जो वर्ड है ना, ये इंश्योर, वॉज टू इंश्योर, इसको कहते हैं एंकर। इसको क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं। एंकर क्या चीज है कि जैसा कि आप बहरी जहाज में
एक आपने बेसिकली वो लगाया हुआ है, एक बैरी जहाज में एंकर नहीं होता, बाद बांध टाइप कोई चीज होती है वो नीचे, वो ताकि वो वहीं पे रुक जाए। इसके जरिए आपने पढ़ना है वॉज टू इंश्योर वर्किंग क्वालिटी, वॉज टू इंश्योर टू अंडरस्टैंड टीम वर्क, वॉज टू इंश्योर। अब ये देखिए कुछ आपको ना अजीबो गरीब सेंटेंस लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जरा देखिएगा। अब ये देखें, वॉज टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ वर्क, वॉज टू इंश्योर सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग, वॉज टू इंश्योर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आगे जो कॉमे लग रहे हैं ना वो एक ही तरह के हों। अगर आईएनजी लग रहा है सबके साथ तो वर्किंग ठीक है ना, हैंडलिंग मैनेजिंग इस तरह के वर्ड सारे आए, या फिर टू वर्क टू हैंडल टू मैनेज इस तरह के वर्ड हैं। अब ये एक ही तरह के जो आगे कॉमे के बाद वर्ड्स आ रहे हैं ना, इसको हम कहेंगे पैरेलल कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर कहीं आईएनजी आ गया, कहीं टू के साथ आ रहा है, तो वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगी, ये आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है जी। और इसी को सीरीज कहेंगे जब हम कॉमे लगाते हैं, जैसा फैन बॉयज की वीडियो में नहीं मैंने आपसे शेयर की थी एक दफा, उस सीरीज में के आई लव कप केक्स कॉमा दिस थिंग कॉमा दिस थिंग, या जिस तरह हमने कॉलन के साथ कल सीरीज बनाई थी, ये सीरीज है सारी। जी सर जी ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। लास्ट पॉइंट ये है कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आईएनजी का वर्ड आप लिख रहे हैं ना कॉमे के बाद, देखे ना क्वालिटी ऑफ वर्क सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग, अभी ऑफ ऑफ करके सारी चीजें आ रही हैं। अगर आप इसको जरा डिफरेंट वे में लिखेंगे, जैसा वर्किंग हैंडलिंग मैनेजिंग, तो वो चीज अलग हो जाएगी। एक मतलब जो भी आपने राइटअप करना है उसमें ये जो एंकर के बाद वाले वर्ड्स हैं वो एक ही तरह उसकी डेवलपमेंट हो, यानी उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक ही जैसा होना चाहिए। अगर जेरंड यूज करें इन्फिनेटिव यूज करें तो वो सेम होना चाहिए। इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं एवरी वुमेन जल्दी है।
जी, इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल कंस्ट्रक्शन। मिसाल के तौर पर अब इसका रॉन्ग यूज क्या होगा वो जरा वो भी देख लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मजीद क्लियर हो जाए। ये देखिए, जी देखें जरा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस ठीक होगा, नीचे वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा या पैरेलल कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगी ये? इसका इम्पैक्ट खराब हो जाएगा, सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं रहेगा और ये इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जब अगर आप पीटी दें ना, पियर्सन का पेपर दें पीटी का, उसके अंदर तो ये जब ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, आपको दिए जाएंगे मुख्तलिफ सेंटेंसेस और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि आप लोगों को मैं जितनी ग्रामर पढ़ा रहा हूं ना, ये बड़ी मुश्किल से, अब ये समझें कि काफी रिसर्च के बाद ये डिजाइन की गई है। अदरवाइज अगर तो हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन को ही खाली पकड़ लेना, तो वो 1.5 2 3 घंटे पे, मतलब लंबी डिस्कशन है इसके ऊपर पैरेलल कंस्ट्रक्शन पे। हमारा जो यहाँ पे इस वक्त जरूरत है ना, वो है इसकी एप्लीकेशन। आपको इतना काम आ जाए कि आप उसको सही तरह इस्तेमाल करें और अपना स्कोर लें और अल्लाह खैर सलाह। इसी तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को भी हमने इसी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि, और ये काफ़ी है, इससे आप जितनी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अब तक या पढ़ा रहा हूँ, ये काफ़ी है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो स्कोर नहीं आते ना, उसकी एक रीज़न ये होती है कि हम लोग लैग कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उस लैकिंग की वजह से ही हमारा स्कोर जो है वो ख़राब हो रहा होता है। अच्छा, तो अब यहाँ तक जो आज के जो लेक्चर हुआ कॉमे से मुतल्लिक, अगर आप में से कोई मजीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अब इसका टेस्ट होगा कल, कल आपका प्रैक्टिस डे है, उसके बाद फिर ये लेटर होगा, लेटर के बाद फिर टास्क वन होगा और उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। सर वो आपने सीरीज में सेमीकॉलन और सॉरी सेमी कॉलन का यूज डिफरेंट है ना, वो कल का लेक्चर हुआ था। जी सर, अभी आपने सीरीज में वो मेंशन किया था सेमीकॉलन और डैश भी यूज हो सकता है, बताता हूँ, उसमें वही मैंने ये थोड़ा कहा था कि जैसे मैंने बताया था, देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड पुअर राइटिंग स्किल कॉलन। जी इनसुफिशिएंट वोकैबुलरी। जी
उसके बाद ये कि इन एंड ग्रामर होगी, ये होगी ये कॉमे डाल के ये सीरीज मैंने बताया। ये देखें, पहले हम कॉलन डाल देते हैं, उसके बाद ये कल का जो लेक्चर हुआ था उससे मुतालिक था। ये इनसफिशिएंट वोकैबुलरी एक चीज है, और ये दूसरी चीज है, और ये तीसरी चीज है। आज जो सीरीज है वो तो हम लोग एज अ वर्ब को सीरीज के तौर पे या नाउन को सीरीज के तौर पे पिक करते हैं ना, इस तरीके से। मिसाल के तौर पे अच्छा मैं कहता हूँ कि ठीक है जी सर। अली, आसिफ एंड आई हैव क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो ये एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये नाउन्स, नाउन फ्रेज भी हो सकता है और नाउन भी है, और उसके आगे एक प्रेडिकेट है। इसी तरीके से प्रेडिकेट भी आगे चेंज हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद दो तीन आगे प्रेडिकेट आ जाए। तो ये सारे डिफरेंट वेज हैं राइटिंग के सीरीज में। एक कंपाउंड और एक सीरीज के सेंटेंस की आपस में फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक ये। तो ये भी एक बेसिकली, व्हेन यू आर गोइंग टू शो डाइवर्सिटी इन योर राइटिंग, देन यू हैव टू शो देम दैट यू कैन राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट वेज यू कैन फॉर्मेट सेंटेंसेस इन डिफरेंट वेज। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब एक काम करें, अब आप अपने पास बुक्स खोलें और उसमें से देखें कि अगर आपको किसी जगह पे कॉमा लिखा हुआ नजर आता है ऐसा, या किसी जगह पे कोई ऐसी सिचुएशन आपको नजर आती है जो आपको समझ नहीं आती, मेरे लेक्चर्स में कुछ और आपने पढ़ा और वहां पे कुछ और है, तो उसको मुझसे डिस्कस करें, उसको सामने लेके आए ताकि हम उस पर डिस्कशन करें, उसको फर्दर एक्सप्लोर करें। उम्मीद है वैसे ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं आपको। कल फरहान ने मुझे एक वो दिया था, वो डैश का यूज तो मुझे समझ आ गया था, लेकिन वो डैश के बाद ओपनिंग फ्रेज और ओपनिंग फ्रेज के बाद पूरी क्लॉज, वो थोड़ा सा एक नया वे था राइटिंग का मेरे लिए। बाकी डैश को तो हम लोग एंड में यूज करते ही हैं, वो तो सिंपल था। सर एक क्वेश्चन है इन क्लोजिंग डिटेल के बारे में, जी पूछे ही ना। कि आपने कहा इन क्लोजिंग डिटेल हम दो कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सर इसको हम दो डैशेस से भी तो सेपरेट कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, अगर आपने एक जगह दो डैशेज इस्तेमाल कर ली है ना, इसको ई एम डैश कहते हैं। जी नेट पे लिखेंगे ना ई एम डैश, तो आपको सामने उसकी जी यूजेज आ जाएगा। उसमें यह है कि अगर आप उसको यूज कर चुके हैं एक दफा दो डैशेज को क्वेश्चन के किसी पार्ट में, तो दोबारा रिपीट ना करें। और दूसरा, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के साथ साथ मीनिंग को भी देखना है, मीनिंग ना कहीं खराब हो रहा हो आपका। ठीक है। बाज लोग ना डैश सिर्फ इसलिए डाल दी कि मैं इसको इस्तेमाल करूं, या दो कॉमे सिर्फ इसलिए यूज कर लिए कि आप इसे इस्तेमाल करें, लेकिन होता ही है कि जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो मीनिंग बड़ा सरफेस लेवल का मीनिंग बन रहा होता है। मिसाल के तौर पे अब जेंडर के आगे दो कॉमे डाल देंगे, उसके आगे लिखेंगे मेल फीमेल। अब बंदा पूछे कि मेल फीमेल ऑब्वियस है, इसको बताने की यहाँ पे क्या जरूरत है? बोथ जेंडर्स करेंगे, आगे दो कॉमे डाल के मेल फीमेल लिख देंगे। अब हमें तो पता लग गया आपको इसका, दो कॉमों का यूज आ गया, इनक्लोजिंग डिटेल का आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही यूज करने की। तो आपने ये सेंस हासिल करनी है रीडिंग करके कि किस जगह पे किस तरह इनक्लोजिंग डिटेल दी जा सकती है और उसका राइटिंग में क्या इम्पैक्ट डेवलप किया जा सकता है। फॉर नो रीजन ना इनक्लोजिंग डिटेल देते जाए, फॉर नो रीजन आप देखें कि आपका जो ओपनिंग फ्रेज है वो आगे वाले सेंटेंस से जुड़ ही नहीं रहा, तो वो तो डैंगलिंग मॉडिफायर हो गया ना, वो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना। ओके सर।
सर ये कंप्लीट एसेज वगैरह आपको लिख के एक लेटर के बाद दिखाएं हम लोग कि कब डेट लेनी है और फाइनल आइट्स की। हाँ जी, अब ये अब आज आपके लेक्चर्स तकरीबन ख़त्म हो गए हैं सारे, और अब लेटर के ऊपर लेक्चर होगा, और लेटर के बाद फिर टास्क वन के लेक्चर होंगे, और उसके बाद ये कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप सब लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ओके सर, तो अभी टेस्ट बुक नहीं करवाएं जब तक आप ओके ना करें ना सर। और डेफिनेटली जब तक आप लिख के नहीं दिखाएंगे मुझे, आप पैसे ज़ाया करने हैं। सर विल देर बी अ लेक्चर फ्रॉम सर फिजान टुडे? यस सर, फिजान ही विल टेक योर लेक्चर, इज वेटिंग आउटसाइड, ओके इंतजार कर रहे हैं। ओके सर। हाय, इटों किसके उधर से आ रही है, इधर इसको सही करो। दीप
जुनैद खान साहब, ये आपके उसमें से आ रही है, ये टू को सही करें। अच्छा जी, क्या हाल है जी बच्चों? बच्चों ही होगा। अच्छा जी, कल वाला आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया था, जो उसमें से कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें, हम फिर आज उसमें कंटिन्यू करते हैं। इफ़ यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर, रिगार्डिंग माई प्रीवियस लेक्चर विच आई डिलीवर लास्ट, सो यू कैन आस्क, अदरवाइज हैव टू कंटिन्यू। यस जुनेद। अच्छा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? या आई कैन हियर यू। अच्छा, तो अभी सर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है या अभी कंटिन्यू है क्या? कैसे अब दूसरा स्पीकिंग चाहिए? का, स्पीकिंग का भाई शुरू हुआ है, अभी स्पीकिंग का लेक्चर अच्छा शुरू हुआ है, सर, ठीक है? उससे पहले सर आज आपका ठीक है ले रहे सर। थे, सर आज ले रहे थे, अब आपका स्पीकिंग का शुरू हुआ है। आपने अपना ना माइक ऑफ कर देना, जब आप मेरे से बात कर लेंगे उसके बाद अपने माइक ऑफ कर देना। ये सब स्टूडेंट्स ने अपना माइक ऑफ किया हुआ है, ओके सर, ठीक है? और अब जब बात करनी ठीक है है, अभी अभी तो ऑफ कर रहा हूँ। माइक ऑन करके बात कीजिएगा, ठीक है जी? ओके, राइट डाउन सम सेंटेंसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्पीकिंग टेस्ट, ठीक है? यू हैव टू मोर फोकस अबाउट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इज इट नेसेसरी दैट यू आल्सो आई आल्सो हैव टू टेल यू अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट और दिस एंड दैट? इज इट नेसेसरी? नो, आई डोंट थिंक सो, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द गाइस नो इट, राइट? लेकिन तो सेंटेंसेस सर बेटर टू बेटर टू डिस्कस जस्ट समथिंग। डिस्कस समथिंग। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट। बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस यू हैव टू वरी अबाउट, यू हैव टू कंप्लीट एंड यू हैव टू हैव अ स्टक ग्रिप ऑन इट, ऑन ऑल ऑफ देम। Have you written present indefinite, present continuous, present perfect, past indefinite, past continuous, future indefinite? Tenses आपके 90% यूज होंगे, 90% यूज होंगे, और जो बाकी रिमेनिंग है मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस या पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, वो आपका और इसी तरह मॉडल वर्ब्स वगैरह, वो रिमेनिंग 10% यूज होंगे। सर पास्ट और फ्यूचर वाले कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, जस्ट जस्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। Yes, have you written? Yes, sir. Okay, now write down a question, please. मैं आपको तीन क्वेश्चंस आपके स्लॉट में डालने लगा हूँ। आपके पास कोई दूसरी चॉइस होगी नहीं कि वो आप किसी दूसरे स्ट्रक्चर में उसमें बात करें। पहला हम प्रेजेंट का स्ट्रक्चर कवर करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में हम पास्ट का स्ट्रक्चर कवर करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में हम फ्यूचर का स्ट्रक्चर कवर करेंगे, ठीक है? तो आपने तीनों क्वेश्चंस को प्रेजेंट में डील करना है, पास्ट को पास्ट में, और फ्यूचर को फ्यूचर में, ठीक है? नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन।
Describe your daily routine briefly. Describe your daily routine briefly. What do you do every day? Ye pehla hai. Question number two. Describe the time when you were in trouble. Describe the time when you were in trouble. What did you do? What was it? How was your experience regarding that? Ye past ka hai, the second question. Third question likhe. What do you foresee? Your cultural values. What do you foresee is your cultural values in next 10 to 15 years? What do you foresee is your cultural values in next 10 to 15 years? Pehle mein aap present, pura present ka structure use karenge. Second mein pura past ka structure use karenge. Third mein opinion question hai aapne future ka. Future prediction karni hai. Aap isme bound hai future ka structure use karne ka. Now prepare. You have 5 minutes for preparing all of three questions right now. Hurry up without wasting your time. Try to use brainstorming process, 5 W's and 1 H. Try to use, make yourself more quicker, do it very quickly. Write down maximum as you can, but points, not sentences. Third question, what do you foresee is your cultural values in next 10 to 15 years? Cultural values mein ethics, norm, behavior, food, tradition, festivals, you know, fashion, dressing, bahut se cheeze aati hain, isko squeeze karke 2 minute ka kar lijiye. सर ये जो इसमें प्रेजेंट का टेंस यूज करना है इसमें मिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो जाए या खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहना है नहीं प्रेजेंट का कोई सा भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट ज्यादा यूज होगा तो सम एक्सटेंड आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं अगर मतलब हैबिचुअली वो आप द कंटिन्यूटी है उसके अंदर स्ट्रक्चर में तो लेकिन प्रेजेंट में रहेंगे आप पास या फ्यूचर में नहीं जाएंगे ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें अच्छा ये थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यू नो फर्स्ट पर्सन आई वी सेकंड पर्सन यू थर्ड पर्सन लाइक ही शी इट और दे मतलब एनी नाउन एनी इसम कोई सा भी नाम तो उनके साथ हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस ई आई एस का इजाफा करते हैं वो वहाँ पर थोड़ा सा
प्रॉब्लम आती है जहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर कटते हैं, लेकिन इसमें आपने पर्सनली अपने ऊपर लेना है। अच्छा होगा कि मेरा दोस्त अली ये करता है, अपनी नाम के जगह पर अली लगा लें। तो जब इस सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, अपने नाम की जगह थर्ड पर्सन लगा लें, है पर्सनैलिटी आपकी है लेकिन आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, इसमें आप ऐसे ही आईएएस के लिए बाउंड हो जाएंगे। Sir, can I start with the question number one? No, I'll decide which question we have to start. We'll have to start with question number two. Question number two. Yes. Yes, thank you very much. Okay, just listen to me, right? You students will not decide which question you are going to start. I'll let you know, I'll tell you that which question we have to start first, right? So everyone will give the answer of one question, but there is no choice. You are bound to speak whatever I'll tell you. That this question you have to start, so you have to start that one. Yes, Fahad, start. Yeah, thank you very much for the topic. Actually, it's very relevant to a recent incident that happened to me. While I was driving back from office to home, my car, it started giving some alert. But it was not a serious alert, so I ignored it and I kept on driving. And my house, by the way, is not too far from the office. It's almost 10 to 15 minutes drive, so I thought that I can make it. But unfortunately, right at the main signal of the road, the car broke down and it stopped altogether. I tried starting it a couple of times, but nothing happened. So it was the peak time, around 6 p.m. and the signal was the main signal of the city. So you can just guess the traffic rush on the signal. So I started panicking. So instantly what I did, I was in the middle lane. I put the hazard on and I went out of the car. And I started waving to the traffic which was coming from the back so that they know that the car is broke down. And immediately I called one of my friends, Bulwase, whose office is not too far. So he said, Fahad, don't worry, I'm coming. And in parallel, because it is a company maintained car, I called our workshop manager, Mr. Zafar. I told him the situation. He said, Fahad, don't worry. Within 10 to 15 minutes, we'll be sending the technicians. But really, those 10 to 15 minutes were very tough for me because the traffic was coming very fast and I was trying my best to stop the traffic and direct them to a different lane, and people were also getting annoyed. But what I do recall is that there were a couple of nice people as well. Two or three of them tried stopping their car near my car and they offered help. They asked me, what's the problem? Do you need any help? So I told them, no, thanks a lot. My company service vehicle is on the way. It will make it very soon. And hopefully everything will be fine. Before the service vehicle came, my friend came and he did a very bold move. He said, Fahad, there is only one way. We cannot cross the signal because here there are cameras on the signal. So we will get a fine, a huge fine. So he
tried somehow to start the car, and he started reversing it, and he tried to take it to the service lane. So that was a very dangerous thing he did, but a bold move, and finally he made it. In the same time, the service vehicle came and they checked the car. They parked it on one side of the road, and I went to home with my friend. The service technician, he took the car key. He said, "Don't worry, I will take care of the car. Tomorrow morning, we will take it to the workshop by towing it." So that was one incident that recently happened to me, and I was in trouble. But alhamdulillah, I made it out of the situation. Thank you. Welcome. Okay, very well spoke. You spoke everything very good. Okay, Fahad, listen. Even although you have a grip on present, you know, past, but you did three mistakes in here. Three mistakes. Instead of, like, you use that they knew, you use the word they know. You used it. Okay? They know. Okay. Okay, you said that I do recall. So instead of I do recall, what will you supposed to use here? What is the better sentence you'll have to use? I'm recording. I do recall. Recall. You use the word. I do recall. Right? I don't know, sir. What to use? What to use? Okay. Like, do I recalled at that time? Recall. Maybe I did. I did recall. If you would like to emphasize on by putting do word in it, otherwise you have to write by adding extra words like do call, or, you know, I love to see, or so. I mean, these kind of the words you have to write. If you would like to use, or if you want to use, then you have to use in the same structure in past indefinite. Okay. Otherwise, 98% or 95%, that was great, and you did good. That was great. I mean, that was according up to the mark and according to the point. Okay, thank you. Yes, Hina. Yes, sir. Ready? Yes, sir. Ready. Third. Back in 2000. I didn't say that. Which question I have second to? Second question. No, I didn't say that. Okay. I said ready. Okay. Third question. You'll have to cover feature structure. Third question. Sure. So talking about our culture, it's having a diversity. Our culture is having a diversity in it, specifically in games, different kind of festivals, and in fashion and clothing. Specifically talking about the games, if I foresee that where will be our game standing in the future. So definitely, based on today's situation, I can see that we are going to have a lot of improvement in our games, specifically talking about the cricket, that it is going to be on the top among all the countries. Next, talking about the festivals, definitely as we are so much into our festivals, so in the future, I guess people will be celebrating the festivals with more excitement and with more formal settings, like our Eids and like our kind of different occasions. So people will be more into such kind of the festivals in future. Most importantly, talking about the fashions and fashion and the clothing. Nowadays, unfortunately, I'm not going to see that in a very positive manner. I guess people will not be taking our cultural values into the clothing. They are going to be more towards the Western side, as our clothing is based on the Eastern dressing. But what I can see in future, that people will be more towards the Western clothing. They will be promoting it more and more in the future. Like, they will be shifting from the shalwar kameez to the jeans and t-shirts and trousers and scarves and kind of the stuff. So that is kind of not a positive way if talking about the fashion. So overall, I guess the cultural values in the next 9 years will be a kind of
50-50%. Like in some ways people will be retaining it, and in some ways it's going to change 100%. That's it. आपने कंपैरिजन किया प्रेजेंट और फ्यूचर का अभी राइट नाउ व्हाटएवर द फैशन इज गोइंग एंड गोइंग एंड एवरीथिंग यस सर आई कैन अंडरस्टैंड आफ्टर स्पीकिंग दैट ठीक है उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर को रैपिडली यूज किया आपने फ्यूचर इन द कंटीन्यूअस को आई विल बी सीइंग आई विल बी वाचिंग आई विल बी डूइंग और दे विल बी डूइंग देयर विल बी द ट्रेंड ऑफ फॉलोइंग पीपल सो क्यों एक कंटिन्यूटी क्यों यूज की उसमें कर रहे होंगे सर एक्चुअली अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था अभी आई नहीं नहीं प्रिपेयरिंग मैं ये नहीं पूछ रहा प्रिपेयर था कि नहीं मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि जहां पर आपने फ्यूचर की बात किया वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूस 95% यूज किया क्या रीजन थी प्रिपरेशन की बात नहीं इज दिस योर हैबिट सर आई गेस व्हेन आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग तो फिर मुझे पता नहीं चला कि मैंने कैसे शिफ्ट कर लिया टेंस को ठीक है मतलब इस चीज को मैंने सोच के नहीं किया देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस इन दोनों को लेके चलें अगर आपने इस तरह करना है ना तो फ्यूचर इंडेफिनिट फिर प्रेडिक्शन है इंडेफिनिट भी कंटिन्यूटी हो रहा होगा जैसे हो रहा है इस सेंस में तो ठीक है जैसे अब हो रहा है नाउडेज द ट्रेंड इज रनिंग गुड इट विल be continue in the into the future continue it will be ka jo structure na usme continuity aa jati hai so continuing into the future to iska is structure mein aap use kare aur presently jo cheeze exist kar matlab abhi karti hain matlab aap future mein nahi hai to wo theek hai us saal tak to aapne sahi bhi use kiya 70% continuous use karna tha lekin kuch aapne future and aur dusri cheez future indefinite bhi use karna dusri cheez jo hai important ke context नहीं अच्छा मिल रहा मुझे इसमें कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक्स आ रही ग्रामेटिकल नहीं आ रही ग्रामर में इतनी मिस्टेक नहीं है ही नहीं थी बल्कि ग्रामर में एक गलती से ज़्यादा गलती नहीं आपकी निकली लेकिन कॉन्टेक्स्ट ख़राब हो रहा था उसको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आपने वर्ड्स यूज करना है अप्रोप्रिएट प्लेसेस में ठीक है ओके बिल्कुल अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी चाहिए उस स्पेसिफिक सेंटेंसेस के लिए जो कि रिक्वायर्ड है बाकी ओवरऑल दैट वॉज गुड I'm not going to discourage you. That was really good. ठीक है? Yes, Jawad. Thank you. Jawad. Yes, sir. Yes, sir. Question number two. Question number two. Okay. So, a tough time came in everyone's life. I saw. The tough time, right? When I have my second baby boy, right, born in 2012. He just born in a hospital in my native city, and I accidentally, right, the doctor over there gave him vaccine, right, which reacted him, and he went on the coma. We took him to the nearest big hospital. Actually, it was CMH hospital. They shifted him on the ventilator. Right, he stayed on the ventilator for one day. I saw him struggling for the life for almost one day. Right, and finally, right, he got expired after 1.5 days. Right, in the same hospital. So this was a very sad incident in my life. Actually, it changed my whole life. And finally, we took him to my home, right? We had a funeral and we buried him. And the whole, I will say, this situation changed the life of me and my wife and overall family. Right. It was a very sad incident of my life, and even if I memorize this, right, it brings a very sad memories of the old days for me. Thank you. What kind of the vaccination you are talking? What kind of the vaccination you are talking? Sorry, sir. What vaccination? What vaccination?
what type of vaccination it was, just they call, I forget its name actually, right? So they call it, it's just for you can say initial vaccination when a child born, they gave it for any infection or something. So they gave him for this one. Actually, it was misadministered, actually, the vaccination. It was not a wrong vaccination. It was misadministered vaccination, actually. That was not even expired. No, it was not expired, right? Okay, you know, I couldn't Sorry? Jawab, you told me this story. I'm also a father, right? So you made me sad on the spot that I couldn't, you know, judge yourself at that time. So maybe next topic I'll... Yeah, it's actually it's a real story, right? And yeah, it's a sad moment of my life as well. That was. अच्छा इसके लिए मैं आपके इसके लिए मैं आपके बात अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो ऐसे ना बिल्कुल छोटी उम्र के जो बच्चे लेकिन न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं जब अल्लाह पाक उनको अपने पास बुला लेता है तो उनके वालिदैन की मगफरत कर देता है उसी टाइम में जब उनको अपने पास बुला लेता है अच्छा वो इससे पहले जन्नत में नहीं जाते जब तक अपने वालिदैन के साथ ना लें तो भाई आप तो वैसे बख्शे गए अगर एक मुसलमान का बच्चा की बात हो रही बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन दैट वाज रियली द टफ टाइम दैट वाज रियली द टफ टाइम यस फील दैट ओके सर ओके सर यस जुनैद जुनैद खान कैन यू हियर मी Junaid, what do you do? Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. What do you do? I was just listening to. What is your qualification? Sir, I have done my bachelor in electrical power engineering. Are you working somewhere? Right. So tonight, would you like to discuss something with us? Should I have to give you the topic? I can. Actually, the problem is that practical class. So I was thinking that you are going to ask me about the questions, three of them. So I'm not. I have forgotten the tenses, so I need to recall them, use them properly, or write a paragraph about, or answer a question. Okay, I'll ask some random question to you. You have to answer very long. So, okay. You ready? Yes, sir. Which one is your favorite color and why? My favorite color is black, I think. Why? And I think it suits me more than the other colors. Tell me about any of your family member you like the most, the personality or any of your family, maybe your mother, father, maybe sister, or maybe anyone. I can say about my elder brother. Why? Everything I look up to him. He is by profession. He is a doctor. And second thing is that he is more like a calm guy. And actually, I'm a bit, you can say, overexcited. I get overexcited, and that's why he is a bit more calm. So I just want to be like him. Okay, Junaid, what he is your nicely and calmly. What is your future planning? What would you like to do in your future?
future, sir, I want to do my master's from Australia, mostly from Sydney, Western Sydney University in electrical power engineering, and find a job over there, and my studies along with a part-time job. What kind of the person you are, introvert, extrovert? Sorry, sir? Tell me something about your personality. What kind of the people you are? About my personality, sir, I can say I am more friendly, and getting lost for words now. Okay, no problem. I'm putting another question. What kind of the people do you like the most? I can say the ones who understands me more and who can forget my mistakes and continue to be my friends and understand me better. Forget your mistakes or ignore. Yes, sir. The person have to forget your mistakes or he supposed to ignore. Sir, I think he should ignore more than forgetting. He should ignore. Why? Because if one wants to be a friend with somebody for a lifetime, so one has to forget or forgive for the other one, and the other should for the first one, then they can continue their friendship for a longer time. All right, Junaid. Hey, you know, you are speaking good and there is no problem in your speaking, but I think the problem is in your confidence, isn't it? Yes, sir. So you don't have to worry about it, right? People, they are listening to you, or even me. We all are people. Yes, sir. Right? Just like you. Yes. So you don't have to worry. Next time, you have to participate properly. Right now, I'm not just forcing you. But next time, what are you supposed to do when you come in the class? Don't go. I beg you. People, they wouldn't like to speak, or they don't want to speak. They are shy, kind of the people. So most of the time, they never take my class. I don't know why. So you have to leave my class, okay? From now to onward. Sorry, sir, I didn't listen you properly. अब भाई क्लास से लेते रहने हैं और कॉन्फिडेंटली बोलना है, आंखें बंद करके ये समझ के कि मेरे सामने कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ. Okay, sir. Kamran, can you hear me? Thank you. Thank you for this. Thank you, yes. Sir. I can hear you. Yeah, would you like to participate? Is it your first lecture with me? This is my first lecture, right? Okay, would you like to participate right now? I just want to listen today because a lot of people are speaking here, right? So, you know, like this, like you have bonded in you know, the structural wise, like tenses. Mm-hmm. Like I have to be speak on the first question, like I have to be in the present indefinite and present continuous. So such type of speaking have never been communicated like in my daily life. But so, I think you can handle it if you little bit put more effort. You can handle everything. Okay. So I'll ask very simple question to you right now. What do you do every day? Yeah. So first one, this is a very simple one. Yeah, I just get up early in the morning and offer pray. Okay. Then. Okay, then I just, because I have to join my office, you know, almost 8:30. So I get up early, I just leave. And I know it's almost a 1 hour, the time that I have to be there. So I just take my old stuffs with me and then I just move forward to the office. Then? Then, of course, there is a morning meeting. At 9 o'clock, so I have to make myself,
get everything updated from my colleagues, and then I have to be, I have to present everything in front of my boss for my last day and my upcoming projects. And then the day started with different meetings and a lot of scheduled activities that is normally going to be happen. So this is basically a daily routine. Then I just came back from the office somewhere around 5:30, and then I mix up with my family and then enjoy my life, right? How? Yes. Very simple. Since I have to be, some commitment with my family, with my friends. So of course, I have to follow that. And especially my 3 years kid, they're just waiting for me. And then I just, sometimes I just take them out from some, evening walk. And then come back home, then take a lunch with my family and so on. So life goes on. Right. Okay. How many kids do you have? I have one 3 years daughter. You said they. I have. You have. Thank you. Come we on. Have. Yeah. We have. Sorry. You said they then. Yeah, we have. I respect him more. We have. All right. We have. Okay. We have a lot. Come, I don't have to worry anything about you. Spoke everything very good. Right? I don't know. Right. So I have to keep speaking. Thank you. Okay, that is why I'm just listening. Thank you. Yeah. Listening for what? For enhancing yourself? I have to worry. Yes, sorry? Kashim. Okay. You don't have to worry. Right? You're speaking good. Yes, Kashim is you. Yes, Kashif, second question. Yes, Mr. Kashif, second question. Are you there, bro? Madiha. Prepared for any of it. Sir, you can hear me? Yeah, I can hear you. You are not prepared, but I have to speak, Madiha. Either you're prepared or not. You have to speak, no matter how. Okay, Kashif, I'm just coming back to you. Yes, Kashif, start. Second topic, sir? Second, yes. Okay, trouble is part of our life. Everybody is getting different sorts of trouble in their life. So here I will describe a trouble which I got in last year, because you told me to describe something in the past. So being a salesperson, as I'm working in Saudi Arabia, so last year I was really lack of sales targets, because the Saudi Arabia situation wasn't good. Government was not releasing the funds and there were lack of new projects. So I was a bit worried about my performance, how I can achieve, how I can got good numbers in my sales, because we were really getting extra pressure from our higher management, which is still located in Jeddah. So then I spent more hours to visit different clients. I gave them a lot of technical briefings about our equipments, and I spend extra hours with the clients. But alhamdulillah, by the grace of Allah and with prayers of my parents, in the end, by hooks and crooks, I am able to achieve my targets. So that was the trouble I can think, which was in past, and you told me to describe. I know it is in short, but I really try to describe you. Inshallah, we're good. That's really good. Yes, sir. I'm very low learner. You know, if you told me talk about topic 3, I didn't do anything. Really? Yeah. Okay. Oh. You have a grip on present and future tense? Do you? Don't you? Sir, I have, but you told me that your question was what will be our culture in next 15 years. So I can say with the modernization, with the latest technology,
we can expect a lot of changes in the future will happen, like the lifestyle of the people, the dressings, their likes. So there will be huge change. There will be more technology will be involved in our life. So life will be more simpler. But the in my own perception, I think problems will increase, because if we compare our lives compared to the past, now we are having more luxuries of life, but still we are facing a lot of problems. So I'm expecting the coming life will be not easy. There will be more competition, and there will be more and more use of technology. And more materialistic approach. Yeah. So that's right. Yes, sir. Yes, thank you. Yes, what have you done? Muti, how are you, bro? I'm fine. How are you? Yes, I'm good. What topic would you like to start? First, second, or third? It's up to you. Whatever you like. Whatever you like. Okay. I think then I should start with the third one. Okay. I feel like it's pretty difficult. Okay, then. Start it. Okay. I'll talk about how, you know, our culture going to change. I think there are many parameters to discuss. First of all, I'll talk about norms. I think moral values will change, such as sympathy and empathy towards others, generosity, sacrifice, obligations. And as the life moves on, it's going to be, you know, more busy and hectic. It's our job is going to be monotonous. It will be monotonous and tedious as well. And we'll have lack of time towards others as well. Like parents do not have enough time for their children. Friends will not have time for the other friends as well. And also even we won't find any time towards ourselves even. To build our society, to build ourselves, to improve ourselves even. And I think our ethical values will be changed, especially honesty, truthfulness. I met a guy who was Moroccan, and he told me that in your society, I feel that people lie many often, and it's not good. So I think it will be like that in the in our culture in next 10 to 15 years if we do not take, you know, drastic measures towards this thing. I think we'll have to change our primary level of education to build our moral values. The parents have to give time to their children as well. And thirdly, I think technology, it will be better. It will be better. And electronic devices such as mobiles, and it will be more user-friendly. And then again, a fashion and festival. They will be better in sports. We won't find any time towards playing sports. Only the athletes they are going to do it. The other guys, we will not have enough time for this thing. So if this is going to change, we'll have to put some measures right now. We'll see what's going to happen. Okay, near future, whatever you are expecting. So the thing or materialistic approach, everything you are talking about, will it be good for us or not? It's not going to good for us, especially if I see my parents, they have done too much for our grandparents, and still they feel like that it wasn't enough. They haven't done enough. And if I see myself and my other brothers and sisters, I don't feel like putting that much effort towards our parents or even our society. We do not have even time for ourselves as well. We are too busy. We are too tedious towards our job and other things. We would not find time. That's why I'm saying that we have to train our children as well as ourselves. And we have to change our level of education. All right. Thank you. That was good. Yes, Shakir Khan. Yes, sir. Second. Okay.
So last time when I got my 5-day for the interprovision of KPK, I packed up all my necessary equipments and I went out for Peshawar. I reached there and that was a wait day and I gave my weight, and on the next day, on the 5-day, I forgot to take my kit. I was supposed to take 2 kits, the red and blue, but I forgot to take the blue one. And at that time, I was really upset, but I borrowed a kit from my sparring partner. He was also fighting over there at 56 category. But when I entered in the ring, it was so trouble for me because that shirt was too short and the nicker was too short and I cannot fight properly. So I felt very bad at that time. So it was bad experience. Really, Shakir? Okay. Yes, sir. Okay, time's up, guys. If you'd like to ask any question regarding, you know, today's lecture, you can. I just want to ask one thing. My response was okay. You were saying that I was, you know, too straight in my response yesterday. I do not feel any energy. I didn't feel any energy while speaking. Was it better today? Yeah, it's better than before, Mati. It's better than before. But okay. There are no, I mean, okay. Obviously, every day is a day of improvement. So other things. No, I was working on it. That's why I was asking that. I felt that this is better. Okay, I felt. Okay. Excuse me, sir. Yes, Hina. Yes. Is it during the test? If they ask you some question, so is it okay to share something related to your real life? As I guess Jawad has shared. That makes you emotional or that makes you sad or maybe that makes you cry. So is it fine to discuss something like this? Yes, you can discuss everything. But in the boundaries. He didn't cross the boundary, but he discussed everything. So you can discuss. People, English people especially, they love to discuss these kind of the things. English people, you know, they love to discuss the stories, especially American. So you can discuss, there is no problem in it. Okay. Okay, guys, thank you for taking my class. See you tomorrow. Take care, Allah. See you. Allah Hafiz. Good dream, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Thank you.